कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं टोंक नगर परिषद के कर्मचारी भी कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में शहर में जगह जगह सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। और इसी बीच कुछ कोरोना वॉरियर से बातचीत की है हमारे टोंक संवाददाता फिरोज उस्मानी ने। निमटने के लिए कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, जो चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग वे एक नगर परिषद के हमारे कर्मचारी भी हैं, जो जगह जगह जाकर गलियों में और सड़कों पर जाकर हाइड्रोक्लोरोआइसिन नामक जो पदार्थ है उसका छिड़काव किया जा रहा है। जो गली गली और मोहल्लों मोहल्लों में ये लोग जाते हैं अपनी जान पर खेल के, ऐसे ही हमारे नगर परिषद के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके का ये काम चल रहा है। किस तरीके का ये काम चल रहा है, कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं जसवंत कुमार जमेदार, वार्ड नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 53, 54, 55। हम प्रत्येक गली में, घर घर के दरवाजे पर जाकर, कोई कहता है कि भाई अंदर भी छिड़काव कराए हमारे हाइपोक्लोराइड केमिकल के द्वारा, प्रत्येक घर में, प्रत्येक गली के अंदर जनता की सेवा के लिए जाते हैं, जिसका छिड़काव कर रहे हैं। किस प्रकार का पदार्थ है, कि क्या है? हाइपोक्लोराइड पदार्थ है ये केमिकल, कोरोना वायरस से बचने के लिए। कितनी टीमें लगी हुई है इस समय हमारे पास? करिए पूरी नगर परिषद जितनी भी टीमें लग रही हैं, करीब करीब तो 350 कर्मचारी हैं पुरुष, वो सब अपने इसी काम में लगे हुए हैं, डबल डबल काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक चलते हैं, सुबह 6 बजे हम आते हैं। तो दिमाग में कोई डर तो होता होगा, एक थोड़ा सा डर तो लगा रहता है कि ऐसा नहीं हो कि भाई हमें कोई छू ले, तो हम भी काफ़ी कोशिश करते हैं बचने की अपनी तरफ से कि बचा जाए, लेकिन आगे अब ईश्वर है जो भी हो। बाकी ये चाहता है कि भाई जनता का जहाँ तक हो वहाँ तक जनता बची रहे, शहरवासी बची रहे, वो सुरक्षित रहें। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं, परिवार को सुरक्षित रखना होता है? थोड़ा सा अभी जैसे परिवार से बिल्कुल दूर रह रहे हैं, परिवार को हम छू नहीं पा रहे, वो हमें नहीं छू पा रहे, हम अगर हमें छूने की कोशिश भी करते हैं तो हम उन्हें मना करते हैं कि भाई हम आपसे दूर रहो। ये थे हमारे नगर परिषद के कर्मचारी, जो 300 से अधिक ये कर्मचारी टोंक शहर में जगह जगह हाइड्रोक्लोरोक्सिन का ये छिड़काव किया जाता है ताकि ये संक्रमण को कम किया जाए। और ये सभी टोंक शहर के संक्रमित इलाकों में घूमकर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवाओं में लगे हैं। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 TV।